वेलकम गाइस, आई होप यू आर इन वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल अवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर जो है काफी शानदार रहने वाला है, खासकर पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ में कहाँ से कौन सा आर्टिकल उठाया गया है वो सोर्स भी मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। अगर किसी भी एग्जाम में जहां पर करंट अफेयर और स्टडी पोर्शन कंबाइन कर पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए ये लेक्चर जो है वो काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, अच्छे से उसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में, अच्छे से सुनिएगा, बड़े ध्यान से, कई सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे। बोला गया, उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है, यानी कि जिसके उच्च विचार है उसके पास में अगर बोले कुछ है नहीं ना, सेना कुछ नहीं है या फिर उसके पास में हथियार नहीं है, तो फिर भी वो आप लोग काफी बलवान लगेंगे। और इसका उदाहरण मैं आप लोगों को आज एक हिस्ट्री का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को दूंगा, तब आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर रियलिटी में मतलब क्या है, उच्च विचार को क्यों इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कई सारी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, ये पॉलिटिकल पार्टी की ये आइडियोलॉजी है, तो उसके पीछे बेसिकली एक पर्पज रहता है, ठीक है, कि हाँ ये आइडियोलॉजी है तो इस आइडियोलॉजी के बेस पर लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी रखिए, अपना खुद का एक विचार रखिए कि हाँ यार इतनी हद से बाहर कभी नहीं जाना है, ठीक है। यानी कि अगर कभी कोई भी अगर कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाए साथ में तो अपने पास में क्राइटेरिया हमेशा रखना चाहिए कि हाँ जिंदगी में ये इतना हो जाएगा तो झेल जाएंगे, इसके ऊपर कुछ होगा अगर तो देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर अपने आप को दायरे में रखेंगे तो कभी भी आप लोगों को दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि हमेशा अपने आप के लिए से मैंने बोलता हूँ मिनिमम स्टडी प्लान बनाकर रखिए कि कम से कम इतने घंटे तो पढ़ रही है चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। तो वो आप लोगों ने एक आइडियोलॉजी अपनी सेट कर ली कि हाँ यार इतना तो काम करनी है। तो जिसके पास में सिद्धांतों की शक्ति होती है वह कभी भी हारता नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मली अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी हो गए या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, भीमराव अंबेडकर जी हो गए, ये वो पर्सनैलिटी थी जिनके बारे में अगर बात करें। और सबसे इंपोर्टेंट अगर मैं एक उदाहरण दूं जो कि मैसमराइजिंग करने वाला उदाहरण है, अगर बात करें भगत सिंह जी हो गए, तो उन्होंने के द्वारा भी अपनी एक आइडियोलॉजी फॉलो की गई। तो कहने का मतलब ये कि आज के डेट में इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो कर चला करते थे, उनका एक वजूद था। ऐसा नहीं कि बिना पैंदी के लोटे हैं, जिधर को चाहे उधर को ही घूम गए, इंसान ने कुछ बोल दिया फिर उधर को चला गया, नहीं, उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया तो वो करना है। गांधी जी ने बोला नॉन कॉर्पोरेशन, गांधी जी ने बोला नॉन वायलेंस फॉलो करना है, तो भाई साहब मरते दम तक बंदा जो है नॉन वायलेंस फॉलो करता रहा। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक सिद्धांतवादी इंसान क्या होता है। तो सारा देश अपोजिट में आकर खड़ा हो गया पर लेकिन हमने नॉन वायलेंस नहीं छोड़ा। तो ये इसके रीजन बताऊंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, कॉन्सेप्ट काफी इंपोर्टेंट है, एक एक कर डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, स्टार्ट करेंगे एक इंपोर्टेंट यहाँ पर जो आप लोगों के सामने है। बेसिकली डे के साथ में इंटरनेट आप सब लोग यूज करते होंगे, तो इंटरनेट जो है वो अगर यूज करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप लोग हमेशा कोशिश करो कि अपने पास में दो अकाउंट नंबर रखो, एक अकाउंट नंबर में एक अकाउंट जो है उसमें अपना मेन पैसा रखो और दूसरे में ये रखो जिससे आप लोगों को पैसा ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज वगैरह, नहीं कि आप लोग क्या करते हैं ऑनलाइन चीजें खरीदने लगते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग एटीएम वगैरह ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो आप लोगों के पास में दो अकाउंट होने चाहिए क्योंकि कल को अगर फ्रॉड भी होने लगे अकाउंट में आप लोग, तो आप लोगों का जो मेन अकाउंट है वो सेफ रहे। और इसी के साथ में अपने मोबाइल नंबर भी आप लोगों को ऐसे ही रखने चाहिए ताकि अगर कोई आप लोगों का मोबाइल नंबर जान भी पाए तो मेन अकाउंट के साथ में जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में अगर आप लोग इंटरनेट वगैरह फेसबुक ये सब चीजें यूज करते हैं तो कोशिश करो कि इनके ऊपर प्रॉपर एक पिन लगाकर रखो क्योंकि आप लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के पास में नहीं जानी चाहिए। और यारी दोस्ती में भी आप लोगों को अपना फोन जो है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, खासकर प्रेजेंट टाइम पर अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज हो गई आज के डेट में अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो आप लोगों के सारे चिट्ठे खोलकर जरा सी देर में दुनिया के सामने रख देगा और आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर किसी अच्छी पोजीशन पर हैं आप लोग तो आप लोगों की वो पोजीशन भी खतरे में आ सकती है। तो ऐसा आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, मूवीज में दिखाया जाता है पर लेकिन ये लाइफ की रियलिटी भी है अगर आप लोग इसको समझ के चलोगे तो। तो अपनी पर्सनल चीजों को अपने तक पर्सनलाइज रखें, उसको पब्लिक न करें, इसमें आप लोग जिंदगी को सही तरीके से जी भी पाएंगे, एक नेचुरल तरीके से जी पाएंगे, ज्यादा दिखावटी चीजें आप लोगों को नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो सेफ इंटरनेट डे के बारे में बात की जा रही है, 8 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और सेकंड डे ऑफ द जो वीक रहता है फरवरी का उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 8 फरवरी को आपकी बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पर एम इसका ये कि इंटरनेट जो है आज के डेट में दुनिया भर के लोग जो है इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इंटरनेट जिंदगी में यूज भी नहीं किया होगा पहले भी आजकल वो भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, पर लेकिन सेफ्टी के मेजर्स को जब बात करें तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। कोई लिंक आया उसके ऊपर क्लिक कर दिया, किसी ने कॉल की फ्रॉड उससे बेसिकली यहां पर आराम से उसको रिसीव कर लिया,
तो आज की डेट में ये मुद्दा इतना बढ़ गया है जिसकी कुछ हद नहीं है। दुनिया भर के फ्रॉड के केस सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। किसी के साथ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके साथ में कोई ना कोई फ्रॉड ऑनलाइन या फिर किसी इंटरनेट के माध्यम से या फिर उसका एटीएम या फिर बैंक के अकाउंट से या फिर कोई मोबाइल नंबर के अकाउंट से या तो हुआ होगा या फिर किसी को देखा होगा जरूर। तो इससे क्या होता है, इससे आप लोग समझ पाते हैं कि लोग जो है उतने ज्यादा जागरूक नहीं है जितने ज्यादा उनको रिसोर्सेज मिल गए हैं। यानी कि मोबाइल तो हाथ में आ गया पर लेकिन मोबाइल की सेफ्टी के बारे में सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता है, तो ये बड़ी दिक्कत ज्यादातर देखने को मिलती है। आज के डेट में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोगों के पास में मैसेज आते हैं कि आप लोगों का इतना बेसिकली ना एक लॉटरी लग गई है, ठीक है, आप लोगों ने गाड़ी जीत ली है, आप लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे अगर मुझे इतना पैसा ट्रांसफर कर दो। इवन कई सारे लोग जो है ओएलएक्स पर कई सारी बदतमीजी काटते हुए नजर आते हैं। कई सारे बच्चों के द्वारा अपनी जो चीजें थी वो शेयर की गई थी कि ओएलएक्स पे कुछ खरीदा, उनको वहां पर ओएलएक्स पर बेवकूफ बना दिया। ठीक है, एक तरीके से यहां पर नहीं कि एक बार पैसे ट्रांसफर करके देखते हैं कि एक ओटीपी आया, एक बार बता रहा हूं सिर्फ को, तो यहां पर बताया तो सामने वाले के अकाउंट में से पैसे चले गए। कभी भी कोई भी कैसा भी ओटीपी जो है, चाहे आप लोग अकाउंट का ओटीपी हो, चाहे आप लोग का बैंक अकाउंट का, चाहे फेसबुक अकाउंट का, चाहे आप लोग किसी भी अकाउंट का ओटीपी जो है किसी को नहीं देना है। ठीक है, तो ये वन टाइम पासवर्ड जो होता है ये हमेशा आप लोगों की सिक्योरिटी में ये सेंध लगाने के लिए बेसिकली लोग जो है बोलते हैं दे दो इसको मुझे, तो फिर आप लोग जरा सी देर में उन्हें कहते हैं कि एक उल्टी जो एक रस्ती पर लटके मिलोंगे अगर किसी ने भी जरा सी देर में भी आप लोगों ने ओटीपी किसी को पकड़ा दिया। तो ये बात है आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपनी जिंदगी तो आप लोग सिक्योर कर ही सको और दूसरों की जिंदगी में भी थोड़ी सी एक तरीके से खुशहाली ला सको, क्योंकि मेहनत की कमाई होती है एक तरीके से, जिसके पास में फ्री का माल होता है उसकी उसकी कदर नहीं होती है, पर लेकिन जिसने एक एक पाई पाई मेहनत से कमाई है उसको उसकी कदर समझ में आती है। तो अपने माँ बाप की जो मेहनत की कमाई है उसकी रेस्पेक्ट किया करो और उसको फालतू में भी मत उड़ाया करो, जहां जहां जरूरत है उन्हें कहते हैं कि जरूरत की जगह यूज करना चाहिए। बात करते हैं ऑल फन एंड द गेम्स एक्सप्लोरिंग रेस्पेक्ट एंड द रिलेशनशिप ऑनलाइन। तो आज की डेट में तो सारी चीजें ऑनलाइन है, क्या ही बोलते बस इसमें, पर लेकिन आप लोगों को समझना भी चाहिए कि किस हद तक आप लोगों को अपनी चीजों को ऑनलाइन लेकर चलना है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कंजर्वेशन वाटर रिसोर्सेज के बारे में यहां पर बात की जा रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा रामसर साइट के बारे में, पहले हमारी कंट्री में कितनी रामसर साइट हुआ करती थी, पॉज कर वीडियो को बताओ, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। आप अब तक का ये लेक्चर सुनने से पहले आप लोगों ने कितनी रामसर साइट सुनी है मेरे मुंह से, मैंने कई बार आप लोगों को रामसर साइट के बारे में पढ़ाया। तो आज की डेट में जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज की डेट में अगर बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर कितनी रामसर साइट है उसके बारे में बात बताऊंगा, अभी नई कौन सी ऐड की गई उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे तमाम मुद्दे आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कर लो, तुक्का मारिए, चले ठीक है, चले तुक्का मारने के लिए आप लोग कुछ नंबर देता हूं मैं। ठीक है, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया या फिर 49 हो गया। ठीक है, ये है आप लोग के सामने नंबर, आप लोग बताइए कितनी है इसमें से ए बी सी एफ डी। ठीक है, ए बी सी एफ डी, आगे बढ़ता हूं। अभी हुआ क्या है, अभी यहां पर दो राज्य है, एक का नाम है गुजरात और दूसरे का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दोनों राज्य जो है एक एक नई दोनों को यहां पर रामसर साइट मिल गई है, तो बहुत बहुत बधाई हो दोनों राज्य को कि आप लोगों के यहां पर नई नई रामसर साइट पैदा हुई है। तो यहां पर जो ये नई नई रामसर साइट पैदा हुई है तो इसके चलते अभी जो है हमारे देश में रामसर साइट की संख्या 47+2 यानी कि टोटल मिलाकर 49 रामसर साइट हमारे देश में हो गई है, तो काफी अच्छी बात है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर इनके नाम के बारे में याद रखिए, जो लेटेस्ट अभी ऐड की जाती है तो उनके नाम कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो गुजरात के अंदर है इसका नाम है खिजड़िया। ठीक है, तो खिजड़िया इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो गुजरात खिजड़िया। ठीक है, इसी के साथ में अगर उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में बात करें तो यहां पर है बखीरा। ठीक है, तो खिजड़िया और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इनको दोनों को यहां पर अभी रिसेंटली जो कि रामसर वेटलैंड जो है उसका दर्जा मिल गया है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली अभी डिस्कस भी किया था कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो कि 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उस उपलक्ष्य में देखने को मिला सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन गुरुग्राम, यहां पर ये अनाउंसमेंट किया गया। तो ये भी आप लोगों से देखिए, अब आप लोगों को तीन चीजें आ गई न्यूज में, एक तो हो गया खिजड़िया बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, एक हो गया बखीरा, ये आप लोगों से क्या होगा, एक हो गया सुल्तानपुर, मैच कर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, फिर आप लोग बोलते हो यार ये तो पढ़ाई नहीं था, क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। वो नहीं कहते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर चीजों को कर लो तो कभी आप लोगों से गलतियां ना हो, पर लेकिन लापरवाही में चीजें चलती हैं तो दो गलतियां देखने को मिलती हैं। अगर थीम के बारे में आप लोग बात करते हैं तो वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर, ठीक है, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ये थीम थी यहां पर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी। अगर हमारे देश में आप लोग वेटलैंड को काउंट करते हैं कि वेटलैंड का मतलब जहां पर लेक होती है बेसिकली झील वगैरह जिनको हिंदी में आप लोग बोलते हैं, तो वेटलैंड जो कि झील वगैरह होती है लेक्स होती है, तो उनका जो एरिया है हमारी कंट्री में नेशनल वेटलैंड डेकेडल जो चेंज एटलस है ये आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था,
तो ये प्रिपेयर किया गया था SAC. SAC क्या है यहां पर ये? इसको बोलते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मतलब क्या है यहां पर ये? स्पेस के बारे में बात करते हैं. जी हाँ, जो हमारी इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक मेजर सेंटर है जो कि हमारे देश में कहां कहां पर वेटलैंड है यानी कि नदियां झील लेके सारी कहां कहां पर है, इनका एक मैप तैयार करता है ताकि उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके और इसी के द्वारा यहां पर ये मैप तैयार किया जाता है. ठीक है, तो ये इसरो का एक पार्ट है यहां पर. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल काफी अच्छे से यहां पर कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर. काफी डिटेल में यहां पर इसके बारे में कई सारी बातें यहां पर कवर की गई है. तो जो मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताऊंगा, अगर कुछ चीजें ऐसी लगे यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको तो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना चाहिए. तो नोट डाउन करने से शर्माना मत, क्योंकि जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म. ठीक है, तो अगर शर्म करोगे तो फिर कर्म फूटते हुए नजर आएंगे. कभी भी पढ़ाई के नाम पर आप लोगों को शर्माना नहीं होता है. ओके, आगे बढ़ेंगे. अगर कोई आप लोगों से पूछ लेगी भाई साहब बड़ा पढ़े लिखे आदमी लगते हो यार तुम, तो बता दो यार एक बात. आप बोलोगे क्या? अच्छा ये बताओ रामसर साइट के बारे में पढ़ा है? आप लोग एकदम कॉलर खड़े करके बोलोगे भी हाँ बिल्कुल पढ़ा है. तो बताओ अच्छा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में? तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा यहाँ पर यूके, यूनाइटेड किंगडम. ये वही कंट्री है जिसने हमारे ऊपर 200 साल रूल किया है. ठीक है, तो यहाँ पर 175 रामसर साइट देखने को मिलेगी और यही रहने वाला है आगे भी कईयों सालों तक. क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पर मेक्सिको है, वो पास भी नहीं है, बहुत दूर है. तो इतना किसी को नहीं कि एक ही चक्कर में यहाँ पर 35-40 रामसर साइट मिल जाएंगे किसी को. ठीक है, तो ये काफी पीछे अभी आप लोगों को चलता हुआ नजर आएगा. अगर पूछ ले चलो अच्छा पढ़ाई अच्छे से रखी है, ठीक है चलो ये तो तुमने बता दिया इतनी साइट कहां पर है, ये बताओ एरिया सबसे ज्यादा किस कंट्री का है जो रामसर साइट के अंदर में आता है? यानी कि पता चला रामसर साइट छोटी छोटी है, छुटुक छुटुक सी है. ठीक है, लेकिन कोई पूछ ले अच्छा ये तो बता दे, चल भाई तू ये बता दे कि सबसे ज्यादा एरिया किसके अंदर में आता है जहां रामसर साइट है. पता चला एक ही रामसर साइट इतनी बड़ी है कि यहां पर जितना यहां पर सारी इसकी हो गई. तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बोलिविया. ठीक है, तो बोलिविया जो है यहां पर सबसे ज्यादा अगर बात करें इस कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्ट किया जाने वाला एरिया है जो कि रामसर साइट के अंडर में आता है. ठीक है, तो ये तो विदेशों के बारे में बात कर ली, अब फिरंगियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ी लिया, तो अपने देश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ठीक है, अपना देश क्या है? मतलब अपना देश यानी कि अपनी प्यारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत या फिर हमारा प्यारा महान भारत, कुछ भी आप लोग बोल लो, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे. पर है तो बड़ा क्यूट सा कंट्री यार. ठीक है, मतलब इसके बारे में बात करें तो अलग ही मजा आता है दुनिया में. किसी को नहीं कहते कहीं भी घुमाओ दुनिया में, अपने घर आकर मतलब मजा ही कुछ हो रहा था, है नहीं? तो वही बात है. तो 49 रामसर साइट आप लोग अपने देश में देखने को मिलेगी टोटल मिलाकर जो एरिया है यहाँ पर. ये बेसिकली आप लोगों को देखिए आप लोगों से यहाँ पर एरिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है अगर एरिया वाइज भी पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मैं आप लोगों को यहाँ पर राज्य के भी नाम बताऊंगा कि आप लोग उसको अच्छे से कनेक्ट कर सके. तो टोटल नंबर में 49 हो गई, 50 यानी कि हाफ सेंचुरी होने में एक ही कसर रह गई. देखते हैं हाफ सेंचुरी में कौन पूरा करेगा, जल्दी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा. 10,93,636 ये हेक्टेयर एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा. साउथ एशिया में अगर हम लोग बात करें यानी कि हमारे पड़ोसी देशों के आसपास में अगर आप लोग देखोगे तो हमारा देश जो है वो सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा. इसी के साथ में जो मैंने आप लोगों से बात की अभी बखेरिया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं. ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाए. और नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने गुजरात के बारे में बात की तो ये आप लोगों से वही होगी, फिर से रिपीट हो रही है. ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर अगर बात करें जो न्यूज में है तो क्वेश्चन बन सकता है. अब इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर अगर बात करते हैं अपने देश के बारे में तो नेशनल जो यहाँ पर वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट कंपाइल्ड बाय इंडियन इसरो जिनकी हमारी कंट्री में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यहाँ पर कंपाइल किया जाता है. तो याद रखिएगा नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड द असेसमेंट जो कि कंपाइल किया जाता है इसरो के द्वारा. तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर पूछ देंगे. बता दो यार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हर एक लाइन में से निकाल सकते हो आप लोग. अगर इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा टकटकी लगाकर सुन लिया करो, जो लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं ना, अगर खुद बैठकर आप लोग ये सारी चीजें पढ़ने बैठोगे, अगर आप लोगों को लगता है जैसे कि मैं ये वीडियो जो है 50 मिनट की फेर की रहती है, अगर आप लोगों को लगता है कि यार 50 मिनट तो फालतू में बर्बाद कर दिए, इससे जल्दी तो मैं खुद ही बैठकर पढ़ लेती, तो ये वीडियो तुरंत बंद कर देना, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो, मैं अपनी वीडियो नहीं कर रहा हूं, इस यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को ये लगता है यार ये तो अपने आप कवर कर लेते फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दे जरा सी देर में, तो तुरंत उस वीडियो को बंद करो और अपने आप अपने टाइम को बचाओ, क्योंकि टाइम से ज्यादा कीमती इस धरती पर कुछ नहीं है मेरी नजरों में तो खासकर, और हर एक इंसान उस इंसान की नजर में जो रियलिटी में अपने टाइम को सीरियस तरीके से देखता है. ठीक है, तो ये बात याद रखना. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा. वेटलैंड जो है वो 4.63 ऑफ द टोटल जो ज्योग्राफिकल लैंड है कंट्री का उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा. देखिए जितने हमारे देश में जमीन है उसका 4.63% में हमारे देश में आप लोगों को वेटलैंड नजर आ जाएंगे और 19 तरीके के वेटलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे. अगर बात करें स्टेट वाइज यहां पर तो वेटलैंड जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? गुजरात के अंदर में. गुजरात जो है टोटल मिलाकर अगर आप लोग बात करते हैं 17.56% याद रख लेना, दशमलव में गिनने की कोई जरूरत नहीं है. टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें
ऑफ द स्टेट का इसमें से 22% आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल उसके इतने एरिया में से 22% आप लोगों को यहां पर वेटलैंड नजर आ जाएंगे कंट्री के। और खासकर रीजन क्या है, क्योंकि गुजरात की बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है। अगर कोस्टल एरिया के बारे में आप लोग जाकर एक बार निहारोगे तो आप लोग देख पाओगे गुजरात में बहुत बड़ा कोस्टल एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हमारे देश में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया कौन से राज्य का है, ये क्वेश्चन प्यारा लग रहा है मुझे, ठीक है बताइए। चलिए, सबसे बड़ा कोस्टल एरिया कौन से राज्य का है, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसा भी आप लोग कंफर्टेबल लगे लिख देना एक बार, उससे आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर दूसरे नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। यानी कि अगर कंफ्यूजन में डालने के लिए आप लोग यहां पर स्टेटमेंट दे दे तो सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया के राज्य हैं उत्तर प्रदेश, फिर आप लोगों को पता है यहां पर, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पर, वरना ज्यादातर आप लोग यहां पर जो कोस्टल राज्य आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जिनसे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में भी, और इंटर में भी अगर आप लोगों का जो राज्य है वो किसी ऐसे एरिया में आता है जहां पर ज्यादातर ये चीजें हैं तो पूछ लेंगे भाई साहब कि बड़े पढ़े लिखे लग रहे हो, भाई साहब बता दो जरा ये बातें सुना है कि तुमने प्रीलिम्स जो है और मेंस जो है क्लियर कर लिया, इंटरव्यू तक पहुंच गए हो, तो बताओ चलो तुम्हारा मजा लेते हैं। तो जब वो मजा लेने पर बैठेंगे तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, रट फट कर अगर पहुंचोगे तो ये चीजें सब आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, IPBES। तो ये क्या है, यहां पर IPBES इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है। तो ग्लोबल असेसमेंट है यहाँ पर, ये वेटलैंड और मोस्ट थ्रेटन इकोसिस्टम को काउंट करते हैं, यानी कि जब इनसे पता पूछा जाए कि बताओ कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं तो ये अपना झंडा लेकर घूमते रहते हैं कि अच्छा यहाँ पर झंडा गाड़ देते, इसका मतलब यही दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो वेटलैंड जो है वो डिसअपीयर हो रहा है 3 times फास्टर देन द फॉरेस्ट, यानी कि ये खतरनाक स्टेटमेंट और यूपीएससी इसी स्टेटमेंट को प्यार करती है। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से ये यूपीएससी की लार टपक जाएगी इसके ऊपर देखते ही कि वाह, ऐसी बातें स्टूडेंट जल्दी भूल जाते हैं कि बताओ स्टेटमेंट में दे देंगे वेटलैंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहां पर बोल देंगे वेटलैंड आर डिसअपीयरिंग 3 times लोअर देन द फॉरेस्ट, तो लोअर लिखा मिलेगा तुरंत फास्ट नहीं देखने को मिलेगा ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज और ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इंसानों की बदतमीजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बदतमीजी की पराकाष्ठा जिसकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, जहां पर पानी का नहीं कोई जोड़ है, कोई नदियां हैं, कोई तालाब है, उनको हम लोग भरते जा रहे हैं, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो वेटलैंड है वो ज्यादा खत्म हो रहे हैं एज कंपेयर टू पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को तो फिर भी गनीमत है क्योंकि उनको उनकी बेसिकली हवा छाव फ्रूट चाहिए, तो इसके चलते फिर भी उनको छोड़ देते हैं, पर लेकिन यहां पर इसको नहीं छोड़ दे, वैसा पानी तो जहां पर देखा पानी खत्म कर दिया, उसको पोल्यूट कर दिया। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थ्रेट टू द वेटलैंड एक तरीके से यहां पर अगर बात करें एडवर्स इंपैक्ट डालते हैं 40% ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि पेड़ पौधे काटने से तो समझ में आता है कि भाई साहब जो इंपैक्ट पड़ता है यहां पर, लेकिन यहां पर अगर वेटलैंड भी आप लोग खत्म कर रहे हो वो भी बहुत सारी बर्बादी लाता है इंसानों के लिए। वो 40% जो वर्ल्ड का फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे फूल पत्तियां और फ्यूना यानी कि पशु पक्षी इनको बर्बाद करता है, इनकी इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्राणी आप लोगों ने सुने होंगे कि ये विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त हो नहीं रहे भाई साहब, हमारी हरकतें उनको विलुप्त कर रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। मेजर थ्रेट है यहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसी के साथ में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर के नाम पर आप लोगों ने देखा होगा ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट को साफ किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि खेती करेंगे यहां पर, ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं, खेती करो अपना दबाकर। डेवलपमेंट के नाम पर आप लोगों ने देखा होगा, पोल्यूशन के नाम पर आप लोगों ने देखा होगा, पोल्यूशन तो अपना भी बर्बाद कर देता है, उसके नाम पर क्या देखा, हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हम लोग चीजों को पोल्यूट करते रहते हैं, और जब हमारी हरकतें बढ़ जाती हैं तो फिर क्लाइमेट चेंज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वही क्लाइमेट चेंज जो है वो आप लोगों ने सुना है कहानी कि जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं उसी पेड़ को काट रहे हैं, जिस पेड़ की डाली पर बैठे हैं उसी डाली को पहले खचर खचर कर काट रहे हैं, तो वो खचर खचर कर जैसी कटेगी तुरंत धड़ाम देने से नीचे आगे पड़ेगा इंसान, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यार जिंदगी में खासकर उस कम से कम पेड़ को मत काटिए जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, जिससे आप लोगों की रोजी रोटी चल रही है, ठीक है, तो हमेशा उसको आप लोग पूरी रेस्पेक्ट दीजिए चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, पर लेकिन नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता नहीं है। वेटलैंड जो है काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अगर कोस्टल एरिया के बारे में बात करें तो 7,500 किलोमीटर कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है, तो उसमें अगर बात करें तो आप लोग को देखने को मिलेगा फ्लड, बाढ़ आ रही है उसको रोकता है, कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसके साथ में कम्युनिटी रेजिलिएंट डिजास्टर अगर होता है तो उसमें काम करता है। आप लोगों ने सुना दलदली फॉरेस्ट जो कोने में पाए जाते हैं वो कई बार यहां पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, रिड्यूस करता है फ्लड को, पोल्यूशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और वाटर की क्वालिटी भी यहां पर इंप्रूव करता है। पर लेकिन हम लोग क्या है, इनकी जो फ्री सर्विस है ना वो हमको भाती नहीं है, हम लोग को ये लगता है फ्री में जो भी मिलता है ना बस उसको लूट लो, या फिर एक मनी थे उसकी औकात नहीं समझते कि फ्री में मिला हो तो चलो कोई नहीं यहां पर, तो ये वाली चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। पैसा देकर इंसान को जो मजा आता है ना उसमें एक अलग ही मजा देखने को मिलेगा, एक इंसान जो है वो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा दे डायमंड की रिंग, आप लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, पर लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसे ही कोई तांबे की भी रिंग लेकर आ रहे हैं और कोई बोले कि 10,000 रुपए की है, यहां पर ये भाई साहब एक इंसान है कारीगर, उसने खुद अपने हाथों से इसको एक तरीके त्रास कर बनाया, तो उसके आप लोग उसको ज्यादा सिंगवा कर रखेंगे एज कंपेयर टू इसके, क्यों, क्योंकि आप लोग खुद पैसा देकर उसको लेकर आए। तो पैसा देने से कई बार चीजों की इज्जतें बढ़ जाती हैं, और ये आप लोगों ने भी पर्सनल लाइफ में फील किया होगा,
ये इस तरीके से चीजें होती हैं कि इंसान जो है जब लगता है कि आप खुद की मेहनत का कुछ किया है तो यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोला था जो भी फ्री चीजें प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उनकी इज्जत नहीं होती है। कई बार यानी कहते हैं फ्री बिजली चल रही है, फ्री पानी चल रहा है, सारी चीजें फ्री में चल रही है, तो जो जो फ्री है हमारे पास में, पानी हो गया बर्बाद कर दिया, इसी के साथ में हवा हो गई बर्बाद कर दी, ठीक है, धरती हो गई बर्बाद कर दी, तो जो जो चीजें फ्री में मिल रही है उसकी इज्जत नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगा और चीजों में कोई कमी नहीं है, सारी ठाट से जिंदगी जी जाती है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि कम से कम इंसान से एक मिनिमम कॉस्ट लेनी चाहिए ताकि वो एटलीस्ट इज्जत तो करे उसकी। अगर मिनिमम कॉस्ट नहीं ली जाएगी तो फिर उसको लेना नहीं लेना बराबर होगा। ये चीज मैंने भी फील की जब मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कराई यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार मेरे पास में मेल आते हैं जो अंदर ही अंदर मुझे सारी बातें पता चलती रहती है। मैंने आप लोगों के साथ में साथ शेयर भी किया था, एक बच्ची थी उसको मैंने बेसिकली सेंड की थी किताबें। तो यहाँ पर वो काफी एक गरीब लड़की थी और उसकी जो रूममेट थी उसने भी मतलब किताबें मंगाई, मतलब उसको भी मैंने किताब दी। तो उसमें ये हुआ कि उसने जो किताबें हैं वो उनको यूज ही नहीं किया, उसका रैपर तक खोलकर नहीं देखा, वो कईयों महीने तक पड़ी रही ऐसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, बस हाँ कि हाँ मुझे मिल जाए। तो एक तरीके से नहीं, हाँ आप इच्छा पूरी कर ली बस वो रखी हुई है, पर लेकिन उससे ज्यादा जरूरत किसी और को तो उन चीजों की। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, तो ये चीजें देखने को मिलती है। और कई सार तो ऐसे भी है उनको मंगा मंगा कर ऐसे भी केसेस देखने को मिले जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मतलब मैंने किताबें सेंड की, भाई साहब उसको बैग जाकर दुकान पर बेच करा रहे हैं पैसे लेकर, ठीक है। वो तो मेरा दिमाग खराब करने वाला इंसिडेंट हो गया था। मैंने कहा ये देखो, एक बच्चे ने मुझे बकायदा मेल किया, कह रहा है कि सर ऐसा कुछ देखने को मिला मुझे। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, मैंने कहा यहाँ तो अपना पेट काट काट कर लोगों को चीजें दे रहे हैं और यहाँ देखो अलग ही काम चल रहा है। चलिए सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्हें कहते हैं सीख मिलती रहनी चाहिए इंसान को, अच्छा रहता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करें तो देखिए मुझे सबसे बुरी बात पता है क्या लगी है, एक ज्वाइन बटन का नीचे वो आता है उसमें बहुत सारे बच्चे जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कुछ तो वहां से मुझे हेल्प मिल जाती है और कुछ जो मुझे लगता है अपने पास से मुझे करना है। तो दोनों को मिलकर बहुत लोगों को मैंने किताबें भेजी, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि सब गलत जगह गई है, बहुत अच्छी जगह भी गई है मैक्सिमम। तो दो चार केस ऐसे निकल जाते हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है, पर फिर भी ऐसे केस पता चला जो पता चला ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे फिर रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं कि जो ज्वाइन कर रहे हैं पैसे दे रहे हैं, ये लगता है कि उनका ही पैसा बर्बाद करे, चलो मेरा तो हो रहा है समझ में आता है, ठीक है। तो वो वाली फिर मुझे थोड़ी ज्यादा खल जाती है, ठीक है। मतलब अपने तो मैं बर्बाद कर रहा हूँ, आप लोग भी बर्बाद कर रहा हूँ, तो ना फिर अंदर से लगता है कि चलो अपनी तो चीजें बर्बाद कर लो, समझ में आता है मेरी चीजें मैं अपना बर्बाद कर रहा हूँ। दूसरे की चीजें में बड़ी दिक्कत होती है मुझे, मैं किसी की चीज अगर उधार भी कर ही ले लूं, मैं कोशिश करता हूं किसी को उधार ना मांगना पड़े। अगर कभी किसी से ले भी लूं तो भाई साहब उसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करके रखना पड़ता है। ये लगता है कि कल को ये ना बोल दे कि अच्छा किसी और की थी तो ऐसा कर दिया। तो वो चीजें कई बार आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली इंसान जो है अगर इस तरीके से मतलब नहीं दूसरे की चीजों को ज्यादा गौर से ना रखे तो फिर आगे आने में कोई इंसान जो है हेल्प भी नहीं करेगा, उसको लगेगा दिया था खराब कर दे दिया। तो हमेशा अगर कुछ चीजें खराब हो जाए तो उसको भले ही दूसरा दे दो। मेरे से एक बार ऐसे ही था, कुछ मोबाइल गुम हो गया था तो भाई साहब नया मोबाइल ला कर दिया था बंदे को। ये पुरानी बातें हालांकि काफी ज्यादा ये कॉलेज की बातें हैं तो चीजें चलती रहती हैं ऐसी। तो मतलब ऐसा है कि सामने वाले को कभी भी निराश मत करो अगर उसने तुम पर ट्रस्ट कर कुछ आप लोगों को दिया है तो, ठीक है। अगर बात करें मोर देन 1 बिलियन जो लोग हैं आजकल में डिपेंड है यहाँ पर अपनी लिविंग के लिए, 40% जो वर्ल्ड की स्पीसीज है वो यहाँ पर ब्रीडिंग वगैरह या फिर रहने का काम जो है वो इसी वेटलैंड यानी कि नदियों वाले नालों वाले एरिया में करता है, ठीक है। इसी के साथ में खाना हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जेनेटिक जो रिसोर्सेज हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गई या फिर हाइड्रो पावर हो गई, यहां से निकल कर आती है। अगर इन्हीं को बर्बाद करेंगे तो इतनी सारी चीजें हम लोग बर्बाद करेंगे इनडायरेक्ट वे में। 30% जो लैंड बेस्ड अगर कार्बन जो स्टोरेज है वो इसी में आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म या कल्चर या स्पिरिचुअल जो चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने सुना होगा ना हमारे देश में तो पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। एक हमारा देश ऐसा है जहां पर पक्षियों की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, नदियों नालों की पूजा की जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारी कल्चर का पार्ट है और ये पता भी है हमारी सभ्यता में है ये कहीं ना कहीं पुराने टाइम से, कि पता था हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कि हाँ आगे चलकर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिलीजन के साथ में कनेक्ट कर बहुत सारी चीजें रख दी ताकि इनको बर्बाद न करें, क्योंकि इनकी इंपोर्टेंस वो समझते थे, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेचुरल जो ब्यूटी है उसकी इंपोर्टेंस आप लोग को देखने को मिलेगी, खासकर जो यहाँ पर बात करते हैं एबोरिजिनल, इनको क्या बोलते हैं जो ट्राइबल यानी कि लोकल एरिया के जो लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारी चीजें जो इन एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो उनको भी दिक्कतें देखने को मिलती है अगर हम लोग ऐसे काम करते हैं, तो ऐसी हरकतें करने से बचना चाहिए वरना ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ये थी सारी बातें, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने काफी डिटेल में इस आर्टिकल को समझा होगा। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो बताइएगा, उसको जरूर दूर किया जाएगा, ठीक है। उस तरीके आज तो आप लोग का क्विज तो मैंने लिया ही नहीं, क्विज लेना था स्टार्टिंग में, चलो कोई नहीं आज बिना बातों में कहीं और गड्डी निकल गई, वैसा नहीं मैं निकला वो गड्डी लेके एक मोड़ आया मैं क्विज पीछे छोड़ा चलिए कोई नहीं आज बिना क्विज के काम कर लीजिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चोरा चोरी, ठीक है। तो चोरा चोरी, चोर और चोरी और चोरा चोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, फैक्ट्स और फिगर भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि हमारी कंट्री में सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन का, उसके द्वारा ये पब्लिश किया गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी यहाँ पर चोरा चोरी के बारे में यहाँ पर अपना जो ट्विटर पर ट्वीट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में सारी डिस्कस करूंगा और गांधी जी का जो थॉट प्रोसेसर है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जानने में हेल्प मिलेगी। जो गांधी जी को कई बार गाली देते रहते हैं ना, कई बार मुझे हंसी आती है मजा, मतलब एक तरीके से एक तो होता है कि लोगों को एक तरीके से आप लोग उस इंसान को गाली दे रहे हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है, समझ में आता है कि आप लोग उसकी रस रस नस नस से वाकिफ है, उसको गाली देना समझ में आता है। आप उस इंसान को गाली दे रहे हैं जिस इंसान की एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो पहले किसी इंसान के बारे में समझो पूरा, यानी कि किसी ने दो चार बातें बोल दी वो सारी चीजें आप लोग गाते घूम रहे हो, पहले समझो उस इंसान को और फिर आप लोग यहाँ पर आगे उसके बारे में बोलो, ठीक है। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि चोरा चोरी का जो कांड हुआ था यहाँ पर, जब यहाँ पर कई सारे जो हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या किया, कई सारे पुलिस वालों को जला दिया, तो गांधी जी के द्वारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था, ठीक है, तो यहाँ पर उसको बेसिकली उसको खत्म कर दिया। तो इसके चलते कई सारे लोग जो है यहाँ पर गुस्सा हुए थे उस टाइम पर भी, और उसके पीछे का अगर थॉट प्रोसेस आप लोग समझेंगे ना कि असहयोग आंदोलन जो है वो क्यों बंद किया गया था गांधी जी के द्वारा, ये लग रहा था अगर गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे तो 1922 में ही हमारे देश को आजादी मिल जाती, पर लेकिन हमको आजादी कब मिली, हमको आजादी मिली 1947 में, यानी कि गांधी जी के चलते चलते गांधी जी की जो हरकतें रही, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, कई सारे शब्द आप लोग ऐसे निकल सकते हैं कि हमको आजादी 25 साल बाद में मिली वरना 25 साल पहले मिल जाती। क्या ये शब्द सही होगा यूज करना अगर आप लोगों को बोला जाए, आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें बोलूं। चलिए आप लोगों को इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं, सुनकर आप लोग चीजों को समझ पाओगे। जब यहाँ पर चोरा चोरी का इंसिडेंट हो रहा था उस टाइम पर, चोरा चोरी यहाँ पर गोरखपुर के पास में एक लोकल एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है, वहां पर क्या हुआ था बेसिकली कई सारे जो हमारी कंट्री में जो यहाँ पर एक तरीके से नहीं शांतिपूर्वक एक स्ट्रगल चला हुआ रहा है, अंग्रेजों को लगा इतना शांतिपूर्वक कैसे चल रहा है, तो अंग्रेजों का यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिली, तो कई सारे हमारे जो यहाँ पर सत्याग्रही थे उस टाइम पर उनकी जान चली गई। अब जब किसी की जान चली जाती है अपने बीच में से तो इंसान को गुस्सा आता है, फिर लगता है सामने वाले को चीर के फाड़ दे, चीर फाड़ के फेंक दे, ठीक है, तो वाली फीलिंग उनको भी आई होगी। उन्होंने तो उन्होंने क्या किया, सारे पुलिस वालों को इकट्ठा किया एक पर्टिकुलर एक जो पुलिस स्टेशन था वहां पर और उसमें आग लगा दी। ये जो सारा इंसिडेंट देखने को मिला ये 4 फरवरी को देखने को मिला, 5 फरवरी को सुबह न्यूज़पेपर छपा और गांधी जी के पास में इंफॉर्मेशन पहुंची, तो गांधी जी ने तुरंत क्या किया अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उसको उन्होंने उसी टाइम तुरंत उसको इमीडिएटली उसको वहां पर बंद कर दिया, यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो रद्द कर दिया गांधी जी के द्वारा एकदम तुरंत, ऐसा जब उनको पता चला इंसिडेंट का। क्यों, क्योंकि इसको कहते हैं एक मैच्योर खिलाड़ी, क्योंकि उनको पता था अभी यहां पर इंसिडेंट हो चुका है, अब यहां पर पुलिस को मौका मिल चुका है कि वो जिसको भी चाहेंगे उसको गोली मारेंगे, जिसको भी चाहेंगे उसको जेल में डालेंगे, जिसको भी चाहेंगे उसको फांसी पर चढ़ाएंगे, क्योंकि उनको बस मौका चाहिए था और वो मौका यहां पर इनके द्वारा दे दिया गया। मतलब कहने का यह कि पूरे देश में बहुत सारे निहत्ते लोगों की जान जाएगी, जब तक यहां पर वो नॉन वायलेंस था तब तक पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि यहां पर कोई भी कुछ करे, गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं थी यहां पर अंग्रेजों की वो कुछ करें, क्योंकि पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ता है, दुनिया देख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एक वैलिड रीजन होना चाहिए सामने वाले को बर्बाद करने के लिए, और उनको वो वैलिड रीजन चोरा चोरी ने यहाँ पर उनको दे दिया। तो चोरा चोरी का जैसे ही इंसिडेंट हुआ गांधी जी को समझ में आ गया अब बहुत सारे निहत्ते लोग बेगुनाह लोगों की जान जाने वाली है, तो उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसको इमीडिएट जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। पहली तो बात आप लोग ये देखेगा, पहला रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन जो सबसे ज्यादा सटीक मुझे लगा वो ये था जो गांधी जी के द्वारा बोला गया कि अगर आज हम लोगों ने आजादी ले ली एक ऐसे लोगों की हेल्प से जो कि यहाँ पर नॉन वायलेंस फैला रहे हैं, उनको ये एक आदत पड़ चुकी है यहाँ पर वायलेंस फैला रहे हैं, उनको ये आदत पड़ चुकी है वायलेंस फैलाने से कि हाँ लड़ तड़कर बंदूक की गोली चलाकर लोगों को मारकर अपना काम करा सकते हैं, अगर ये लोग कल को चलकर सत्ता में बैठे तो इन लोगों में और अंग्रेजों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि हमारे देश में शांति में चीजें चलने वाली है नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे देश में 500 से ज्यादा राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो अंग्रेजों के द्वारा तो पहले से ही एक कहावत बोली जाती थी कि इंडिया अगर कल को यूनाइट हो भी गया, अगर आजाद हो भी गया तो इंडिया में से इतने देश बनेंगे कि पूरी दुनिया में इतने देश नहीं होंगे, ऐसी बातें उनके द्वारा बोली जाती थी और काफी हद तक वो सही भी थे। अगर यहाँ पर गांधी जी जैसे लीडर ने हमारे बीच में हो तो काफी हद तक वो सही भी हैं। अगर हमारे देश में जो हमारे महान जो अगर स्वतंत्रता सेनानी ना होते, क्यों, उसका रीजन ये था कि गांधी जी ने अपनी कंट्री की जो नींव रखी वही नॉन वायलेंस पे रखी, यानी कि आजादी तो लेंगे नॉन वायलेंस से लेंगे, शांति में लेंगे, अपना प्रोटेस्ट करके लेंगे, किसी की जान लेकर हम लोग आजादी नहीं लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो ये ऐसे लोग यहाँ पर ये आजादी लेंगे इस मैच्योरिटी के साथ में आजादी लेंगे, ये कल को इस देश को थाम पाएंगे, वरना 500 से ज्यादा जो राजा रजवाड़े जिनको इकट्ठा कर एक देश बनाना है, ये इतने सारे छोटे छोटे बीज है इनको पिरोकर एक माला बनानी है, अपना देश अपना
प्यारा कंट्री बनाना है वो नहीं बन पाएगा अगर यहाँ पर वोयलेंस के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि अभी तो ये लोग जो हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को मार रहे हैं, कल को अगर इनकी कुछ ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को भी ऐसे ही मारेंगे, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने देश में अराजकता रहेगी और देश जो है वो कभी भी एक देश जैसा देश नहीं बन पाएगा। और वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं उनकी अभी साबित भी हुई, क्योंकि जब यहां पर वेस्टर्न फिलोसफर थे उनके द्वारा बहुत पहले बोल दिया गया था कि ये देश आजाद तो हो जाएगा, इसको मिलाकर चलाने की कोशिश की जा सकती है, पर लेकिन इसमें से दुनिया भर के छोटे छोटे देश निकलेंगे, इसके ऊपर वो मोहर लगाकर चले गए थे। पर लेकिन जैसे ही हमारे देश में एक संविधान बनाना स्टार्ट किया हम लोगों ने और हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी आइडियोलॉजी जो हम लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट की, तो उससे यहां पर एक चीजें समझ में आ गई कि आज की डेट तक भी हमारा देश जो है वो एक ऐसा देश बना हुआ है कि एक जगह इकट्ठे हम लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नहीं कहते संस्कार जो वाली बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ये संस्कार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग खुद ही सोचे बीइंग ए टीचर में आप लोगों को चोरी करना सिखाने लगो कि हाँ यहां से ये चोरी कर लो, यहां से किताबें उठा के ले जाओ, यहां से कुछ और चोरी कर लो, आप लोग ले आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो किसी की जेब काट लो, क्या ये चीजें सही है? चोरी कर कर वो भी आप लोग अगर ऐसा, अब मैं खुद आप लोगों को सिखाऊंगा तो मेरा टीचर का कहलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को बोल रहे हैं चोरी करने के लिए तो पेरेंट्स पेरेंट्स कहलाने के हकदार नहीं है, और कोई भी पेरेंट्स मुझे तो लगता नहीं अपने बच्चों को ऐसा कहेगा कि हाँ जा बेटा चोरी करके ले आ। एक कहावत मुझे याद आती है, एक औरत थी उसका बेटा कुछ चोरी करके लेके आया तो उसने बोला कि बेटा चोरी मत करना, पर लेकिन फिर घर में किल्लत थी तो वो चोरी करके लाता रहा और घर की कंडीशन जो है थोड़ी सुधरने लगी। एक दिन पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हो गई तो उसने बोला कि हाँ चोरी करनी है, चोरी की और ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उस इंसान को फांसी की सजा दी गई। उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने बोला मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो जैसे अपनी माँ से मिलने गया उसने अपनी माँ का नाक काट लिया, ठीक है। तो ये माना जाता है कि नाक क्यों काटा, कि अगर तुमने पहले दिन जब चोरी कर आया था मैं उसी दिन मुझे रोक दिया होता तो आज की डेट में जो है मेरी हालत न होती। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि माँ बाप रेयरली कोई ऐसा होगा जो आप लोग को चोरी करने के लिए बोलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने संस्कार जो कभी मत भूलो, जैसे कि आप लोग ने मैं थोड़ा सा उसके साथ भी कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। मैंने एक न्यूज़पेपर वाली बात आप लोगों को बोली थी, ठीक है। एक बच्चा बोला कि सर डेली न्यूज़पेपर चोरी वो दे दिया करो, आप तो उसको ले ही रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीके चोरी वाली बात हो जाती है यार। तो जो भी इस तरीके से अगर मैं आप लोगों के लिए करूंगा यहाँ पर तो ये चोरी वाली बात हो जाएगी, तो कम से कम संस्कार नहीं होंगे वो, आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के टीचर जो है वो कभी भी एक संस्कारी नहीं कहलाएंगे अगर वो ऐसा काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। और आप लोगों की जो नींव रहेगी वो भी धुंधली रहेगी, आप लोगों को ही लगेगा जहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत आई वहां पर आप लोग तुरंत करेंगे कि हाँ चलो इसको तो ऐसे कर लेते हैं। तो वो वाला संस्कार अगर आप लोग हैं आप लोग आगे चलकर भी एक अच्छा सिविल सर्वेंट भी नहीं बन सकते। इसलिए कहता हूं कि मैं हर एक इंसान की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी थी, भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी थी, ऐसी ही अपनी भी एक आइडियोलॉजी बनाई आप लोग कि हाँ कुछ भी हो जाए यार ये वाला काम नहीं करना है, कुछ भी हो जाए करप्शन नहीं करना है साला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। साला वर्ड उसको उस तरीके से मत लेना, गाली है, ठीक है, क्योंकि घर में भी साले होते हैं, जीजा साले आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको गाली के तरीके से मत देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपनी अपनी नींव ऐसी रखें ना स्ट्रॉन्ग वाली कि दुनिया कुछ भी बोल दे पर हाँ पता है कि इंसान झुकेगा नहीं, ठीक है। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर खेमका नाम का एक आईएएस ऑफिसर उनके बारे में सुना होगा, रेस्पेक्ट आती है उस इंसान के लिए निकल कर यार, मतलब हजारों बार ट्रांसफर हो चुके हैं बंदे के। आप लोग देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनके घर की कंडीशन उनके भाइयों को देखो जाकर, प्रेसिडेंट बनकर चले गए वो, पर लेकिन आज के टाइम में उनके घर की कंडीशन आप लोग जाकर देखो। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में कमाई है तो बस सिर्फ इज्जत कमाई है, ठीक है, और दुनिया चली जाएगी इधर उधर हो जाएगी पर हमेशा उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये कहते हैं रेस्पेक्ट। तो कभी भी अगर करप्शन करने का मौका मिले और थोड़ी देर के लिए जिंदगी को एंजॉय करने हमेशा उससे मुंह फेर लेना यार, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना तो ये समझ लेना है कि मेरी फीस हो गई मेरे लिए, ठीक है, इतना कम से कम जरूर करना जिंदगी में। चलिए जो भी है आगे बढ़ता हूं। तो ये पूरी जो कहानी जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी यहाँ पर, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया पूरा जो इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला वही सारा अब यहाँ पर पीपीटी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे देश में 1 अगस्त 1920 में लॉन्च किया गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन यानी कि असहयोग, असहयोग मतलब किसी भी देश में किसी भी चीजों में सहयोग नहीं देना है, यानी कि हम लोगों को स्वदेशी अगर बात करें उसके बारे में बात करनी है, अपने देश का सामान बनाना है, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना है, जो मशीनरी है जो क्लोथ्स है हम लोग को उनको बेसिकली फॉरेन वाले उनको बायकॉट करना है, ठीक है। एजुकेशन लीगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुछ भी हम लोग को अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना है। अगर कोई पढ़ रहा है तो बच्चा स्कूल छोड़ दे, अगर कोई वकील है तो वकालत छोड़ दे, अगर कोई पढ़ा रहा है तो टीचिंग छोड़ दे, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन ही काम नहीं करेगा तो पैरालाइज हो जाएंगे यहाँ पर अंग्रेज। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। अगर बात करें 1921-22 में यहाँ पर जो यहाँ पर वॉलंटियर्स होते हैं कांग्रेस के और खिलाफत के उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया यहाँ पर बेसिकली मिलकर किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। नेशनल लेवल पर यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट भी यहाँ पर चल रहा था क्योंकि ब्रिटिश टाइम पर जो ओटोमन एम्पायर है उसकी बेइज्जती की जा रही थी, तो मुस्लिम कम्युनिटी भी यहाँ पर साथ में मिलकर आ गई।
तो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी देखने को मिली उसकी वजह से भी यहां पर ये जो था काफी ताकतवर हो गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। यानी कोई भी चीज है वो अकेले इंसान से नहीं मिलती है, जब यहां पर मिलकर काम करते हैं तो तब चीजें सारी सही डायरेक्शन में देखने को मिलती है। महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्टिंग से ही बोला गया था कि ये एक तरीके से नॉन वायलेंस का रहेगा। पर 4 फरवरी को जो यहां पर चीजें देखने को मिली, जो यहां पर क्राउड के द्वारा जो आग लगाई गई वहां पर उनके ऊपर अटैक होने के बाद में, तो कई सारे लोगों की जान चली गई, तो वहां से चीजें समझ में आ गई कि अब यहां पर इसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अब जो ब्रिटिश वाले जो रिएक्शन आएंगे वो बहुत सारे लोग को, हालांकि उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। अगर आप लोग बात करें ब्रिटिश राज के द्वारा कई सारे लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, यहां पर अगर बात करें सेशन कोर्ट चलाया गया, सेंटेंस दिया गया 172 लोगों को, ठीक है 225 को एक्यूज किया गया, 172 यानी कि 172 लोगों को डेथ का यहां पर बेसिकली वो दिया गया, ठीक है, और 19 को कन्विक्टेड किया गया, हैंग कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से काफी लंबे समय तक जेल में डाल देना, कुछ को उम्र कैद दे देना और कुछ को मतलब फांसी पर लटका देना। सोचो यहां पर अगर सारा देश में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती तो कितने सारे बेगुनाह लोगों की जान चली जाती। तो गांधी जी की जो रिएक्शन थी चोरा चोरी कांड को लेकर वो कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को यहां पर इनको खिलाफ खड़ा कर दिया। यहां पर बच्चों ने, आप लोगों ने सुना होगा भगत सिंह जी की मूवी भी देखी होगी, उसमें भी वो काफी गुस्सा हुए थे उस टाइम पर, वो बच्चे थे छोटे से जब यहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो ये मूवमेंट था यहां पर ये सस्पेंड कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। इसका बेसिक पर्पज यहां पर ये था कि वो नहीं चाहते थे आगे ऐसी कोई कंडीशन बने। इसके चलते जैसे यहां पर जैसे जवाहरलाल नेहरू और कई सारे जो यंग लीडर थे उनके द्वारा भी काफी सारी बातें बोली गई एक तरीके से रिएक्शन में। रिएक्शन यहां पर अदर नेशनल लीडर की तो यहां तक आई कि उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी तक बना दी साइड में कि गांधी जी को फॉलो ही नहीं करना है, कि इंसान जो है ये चाहता ही नहीं हमारे देश को आजादी मिले। तो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैन के द्वारा अलग से अपना एक खुद का एक बेसिकली गांधी जी को अलग कर इनके द्वारा पार्टी बना ली गई, ठीक है। बहुत सारे नए नए लीडर उसी टाइम पर निकल कर आए, जैसे जगदीश चटर्जी हो गए, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सैनियाल हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, जतिन दास, इसी के साथ में भगत सिंह हो गए, भगवती जो चरण वोरा हो गए, महेंद्र सूर्य सेन हो गए, ये सारे जो नए नए लीडर जो नए नए जो उस टाइम पर जो फ्रीडम फाइटर निकल कर आए वहीं से उस टाइम पर निकल कर आए थे। कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा चलाया गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने एक इतने सारे लीडर देश में लाकर खड़े कर दिए कि जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हमारे देश में देखने को मिला। तो ऐसी बात है यार, देखो जिंदगी में हमेशा पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए। पेशेंस अगर रहेगा तो जिंदगी में सही डायरेक्शन में बढ़ोगे, वरना हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आओगे। ये हो गई बेसिकली यहां पर सारी बातें। आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में कंडीशन। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। तो यहां पर फेडरलिज्म, संघवाद का ढांचा और इलेक्शन, यानी कि जो भी आप लोग यहां पर आज के में जो वोट वगैरह डालने जाते हैं, अभी 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन है उसमें भी आप लोग वोट डालने जाओगे, तो ऐसी चीजों के बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जब इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, और स्टेट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टेट जो इलेक्शन कमीशन वो क्या करते हैं स्टेट लेवल पर जो है बेसिकली यहां पर कंडक्ट कराते हैं। तो यहां पर सेंट्रल लेवल पर या फिर इंडिया लेवल पर जो कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और स्टेट कौन कौन से स्टेट कमीशन कौन से कंडक्ट कराते हैं ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कई सारी बातें आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी रीजन क्या है इसका न्यूज में आने का, तो यहां पर ये द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया डिटेल में काफी अच्छे से आर्टिकल। बात ये की जा रही है कि अब लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के द्वारा राज्यसभा में बोला गया कि सेंटर वाज नॉट प्लानिंग टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि हमारे देश में 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, एक है 1950 का और एक है 1951 का। 1950 वाला लोगों के लिए और 1951 वाला पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है या पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन लड़ते हैं। तो बोला ये गया कि यहां पर आज की डेट में अगर सेंटर में इलेक्शन हो रहे हैं और फिर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो उनके लिए जो इलेक्ट्रोल रोल तैयार किया जाता है वो यहां पर एक ही होना चाहिए और साइमल्टेनियसली दोनों को यूज करना चाहिए। तो इसके बारे में यहां पर बात देखने को मिली, यानी कि अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा के या फिर अदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक ही इलेक्ट्रोल यूज करो, बार बार इलेक्ट्रोल क्यों बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर बोली गई, इन्हें कहने का मतलब यहां पर ये एक ही इलेक्ट्रोल से काम चला लो, बार बार मेहनत क्यों करनी है। तो इंडियन इलेक्शन जो साइकिल है यहां पर उसको बेसिकली आसान बनाया जा सकता है, तो लोकसभा स्टेट असेंबली को साथ में सिंक्रनाइज कर ऋषि के साथ में यहां पर सबके लिए इलेक्ट्रोल को यूज किया जा सकता है। अगर मोटे मोटे तौर पर बांटें यहां पर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोल इन इंडिया अगर बात करेंगे तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करते हैं, कई सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इलेक्ट्रोल रोल लेते हैं यहां पर, ठीक है, और फिर उसको यूज करते हैं अपने जो एरिया के लोकल बॉडी के इलेक्शन कंडक्ट कराने में। पर लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे
ये राज्य ऐसे हैं जो कि अपना खुद का इलेक्ट्रोल रोल यहां पर तैयार करते हैं अपने लोकल एरिया में पंचायत या फिर म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो यानी कि एक तो यहां पर पहले तैयार कर दिया, अब फिर से ये तैयार कर रहे हैं, तो हो गई ना डबल डबल मेहनत। तो ये डबल मेहनत को यहां पर रोकने की बात करें और बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रोल रोल तैयार कर लो और उसी को आप लोग यूज कर लो। यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन, दोनों मिलकर एक ही इलेक्ट्रोल रोल तैयार कर लो। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, 1950 में बनाया गया था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। याद रखिएगा जिस जिस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर भी आप लोगों को इलेक्शन कंडक्ट कराता हुआ जो कौन नजर आएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नजर आएगा, भले ही वो कुछ ही राज्य में हो। और वो कुछ ही राज्यों के नाम भी मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहूंगा, अपनी पवित्र भाषा से उनके नाम कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर अपना आंखें बंद कर एक बार उनको रिकॉल कर लीजिए, तो जो भी सूटेबल लगे उसको देखिए। तो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर वो एक तरीके से प्रिपेयर करता है अपना खुद का इलेक्ट्रोल, ठीक है। कई बार ऐसा करता है कि वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, एक्साइज नॉट डन कोऑर्डिनेशन विद इलेक्शन कमीशन जो इंडिया रहते हैं, तो इसके चलते खुद का उनको तैयार करना पड़ता है। तो कई बार यहाँ पर क्या रहता है, ये यहाँ पर मेहनत पड़ जाती है कई सारी, ठीक है। तो इसके चले से कई सारे नहीं, एक तरीके से डबल डबल मेहनत करनी पड़ रही है, कई सारी चीजें चल रही है इस तरीके से पैरेलल में। तो इसी को खत्म करने के लिए हमारी कंट्री में लो कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी कुछ बातें बोली गई थी। यहाँ पर 255वीं रिपोर्ट आई थी यहाँ पर 2015 में, उसके द्वारा बोला गया था कि क्यों ना यार सिंगल इलेक्ट्रोल ले लो सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शन कराने के लिए। तो इसके चलते इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी यहाँ पर सिमिलर अप्रोच ली गई 1999 में और 2004 में। तो इसके चलते क्या होता है, कंफ्यूजन जो होता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा पॉइंट आउट किया गया कि कंफ्यूजन अमंग द वोटर्स, अगर बात करें कि कई में क्या होता है कि एक लिस्ट में तो उनका नाम है दूसरी लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो ऐसी कंफ्यूजन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके बेस पर आप लोग दूर कर सकते हैं। की जरूरत देखिए पहले तो थी नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया गया ये 1992 में, तो उसके बाद में लगा कि यहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो यहाँ पर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वाला कोई फंडा था ही नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन वाला कोई फंडा था ही नहीं। तो जब ये चीजें आ गई आर्टिकल 243K और आर्टिकल 243ZA, यानी कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में जब इलेक्शन की बात आई तो तब लगा कि यहाँ पर ये होना चाहिए। पर लेकिन चैलेंज क्या आ गया, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उसमें अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाउंड्री और जो वार्ड्स होते हैं, जो वार्ड बनाए जाते हैं वार्ड के इलेक्शन होते हैं वो अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई बार यहाँ पर ये लगा कि प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। पर लेकिन एडवांटेज क्या है कि आराम से पोल एक्सपेंस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कहां कितना खर्च कर रही है, कहां कहां पर पब्लिक मनी जा रही है, सब चेक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप सिक्योरिटी फोर्स को कैसे यूज करना है, टाइमली इंप्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी ढंग से यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें भी अच्छे काम कर सकते हैं। तो ये बातें देखने को मिली, सोल्व कर सकते हैं कई सारी गवर्नेंस की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविलियन और इसी के साथ में जो यहाँ पर बात करें इलेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो बोला यह गया कि यार देखो फायदा तो है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर मानना भी है ना, लोग कौन कौन मानेगा, कैसे तीयों को ती लेकर चलेंगे, तो वो भी यहाँ पर मुद्दा निकल गया। तो उसके चलते भी यहाँ पर चीजें देखने को मिली। आज की डेट में अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर और ज्यादा दामोदार आ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल इनके वीवीपैट जो है वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं सेंटर और स्टेट दोनों के इलेक्शन में, ठीक है। पर लेकिन आगे फिर यहाँ पर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए भी यहाँ पर देना पड़ेगा, तो सिंक्रोनस वे में चीजों को कंडक्ट कराने में भी दिक्कत होती है काफी ज्यादा। तो चैलेंज भी है, ऐसा नहीं कि आराम से काम हो जाएगा। पर लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी की विल हो, अगर उनको लगे कि यार काम करना है, ठीक है, तो उनको कन्विंस करें वो पॉलिटिकल मुद्दे से एजेंडे से थोड़ा ऊपर उठे, तो ये काम किए भी जा सकते हैं, इतने टफ भी नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। आप लोग की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर कई बार आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर 678 जो मिलियन था, अभी यहाँ पर ये कितना हो गया, बेसिकली बिलियन, सॉरी, ठीक है, अभी यहाँ पर कितना हो गया, 634 बेसिकली हो गया, ठीक है। तो डिक्लाइन हो गया यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर अगर पहले कंपेयर में अगर बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पर बिलियन आएगा, मिलियन नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अभी यहाँ पर डिक्लाइन हो गया है। तो ये जो आर्टिकल है ये कवर किया गया यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी। देखिए जब फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बात करते हैं ना, तो ये कंट्री में ताकत के तरीके से देखा जाता है, यानी कि अभी जो डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है वो सारी बातें बताई गई, इसके अंदर क्या क्या डिक्लाइन हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इतना घट गया है यहाँ पर, जो IMF की जो करेंसी होती है उतनी घट गई, स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो होते हैं, ठीक है, गोल्ड इतना है, ये सब चीजें। तो ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखना कि इसके अंदर आता क्या क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स कितनी है यहाँ पर, जैसे कि फॉरेन करेंसी होता है, ठीक है, जापान की करेंसी होगी, यूएसए का डॉलर हो गया, तो इनके बारे में बात की जाती है, ठीक है, जैसे कि यूरो हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, ये फॉरेन करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों के सामने निकल कर आती है। गोल्ड रखा होता है, सोना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट होते हैं यहाँ पर IMF के, ठीक है,
IMF की करेंसी बोलते हैं। इसी के साथ में रिजर्व पोजीशन होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में। अब ये रिजर्व पोजीशन क्या होती है इसके बारे में याद रखिएगा। रिजर्व जो ट्रेंच पोजीशन होती है इसको बेसिकली बोलते हैं कि कंट्री के अंदर का अगर बुरी हालत हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए, जैसा हमारे देश में 1990s में देखने को मिला था, हमारे पास में बेसिकली क्रूड ऑयल खरीदने के पैसे नहीं बचे थे एक हफ्ते के भी, हमारी देश खस्ता हालत में आ गया था, तो उसके चलते यहां पर उस टाइम पर अगर लगे तो कंट्री का कोटा रहता है तो उसमें से यहां पर कुछ पैसे ये विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, तो विदाउट एनी इंटरेस्ट यहां पर ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये पोजीशन भी यहां पर इसके अंदर काउंट होती है। तो ये चार चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर अगर फोरेक्स के बारे में बात करें तो सपोर्ट करता है मेंटेन करने में, कॉन्फिडेंस अगर बात करें एक बना रहता है, खासकर पॉलिसीज और यहां पर एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर पाते हैं देश के अंदर में। इसी के साथ में यहां पर जो सपोर्ट मिलता है खासकर अगर नेशनल और यूनियन करेंसी को देश के अंदर में, वरना बर्बाद हो जाती है जैसे अभी श्रीलंका की देखने को मिलती है। और कई बार जैसे कि COVID-19 आ गया या फिर कोई और दिक्कतें देखने को मिली, कोई है ना लिमिटेशन लग जाती है, वल्नरेबिलिटी आती है, उसके चलते भी हम लोग चीजों को संभाल पाते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब यह कि एक कंफर्टेबल पोजिशन में गवर्नमेंट रहती है। इंटरनल एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसे 1990s में हमारे देश में हुआ था, उसको झेल पाते हैं। रुपी का एप्रिसिएशन होता है, रुपी एक सही पोजीशन में रहता है और मार्केट में भी कॉन्फिडेंस बना रहता है, ऐसा नहीं कि कोई आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा, तो एक बैलेंस यहां पर बना रहता है, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फॉरेन जो करेंसी एसेट्स है उसके बारे में अगर जैसे मैंने बात करी भी आप लोगों को बताएं, ये अब फोरेक्स का यहां पर काफी बड़ा पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा डॉलर के टर्म में, और डॉलर के साथ साथ में ये भी आप लोगों को रहती है और इनको हार्ड करेंसी भी कई बार बोला जाता है। हार्ड करेंसी का मतलब ये है कि इनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपना व्यापार करने में, तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएगा। आइए अब क्विज़ आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देते हैं। यहां पर बात की जा रही है सेफ इंटरनेट, जो यहां पर ये 8 फरवरी को डे सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम क्या है, दो नई रामसर साइट जो है कौन कौन से राज्य में ऐड की गई है, इसी के साथ में थीम क्या थी अभी इस साल की आप लोगों को ये बतानी है, ठीक है। और मंथली वीडियो भी देखिए आप लोग अपलोड कर दिए, उसको भी आप लोग देख लेना, पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर आप लोगों का कवर कर दिया है और उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। कल से टाइम नहीं मिला क्योंकि वीडियो अपलोड करने में और टाइम ज्यादा लग गया, उसमें काफी सारा टाइम लग जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को पता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कईयों घंटे लग जाते हैं, तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर टाइम नहीं मिला तो वो नहीं बना पाए, ठीक है। अब पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा दूंगा शाम तक, ठीक है। अभी बात करते हैं तो जियोग्राफिकल एरिया के बारे में, तो यहाँ पर कौन सी कंट्री में सबसे अगर बात करें, हमारा कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर बात करें वेटलैंड के बारे में, नेशनल वेटलैंड डेकेडल जो एटलस के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये बेसिकली एसएससी के द्वारा तैयार किया जाता है, तो एसएससी क्या है यहाँ पर। इसी के साथ में कंट्री कौन सी है मोस्ट रामसर साइट, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में कौन सी यहाँ पर अगर बात करें बेसिकली नेक्स्ट जो बात की जा रही है, सबसे बड़ी कौन सी यहाँ पर रामसर साइट के मामले में, एरिया के वाइज में कौन सी सबसे बड़ी है। अगर बात करें यहाँ पर डेटा के बारे में तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, कौन मेंटेन करता है, किसके द्वारा रिकमेंड किए गए यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रोल के बारे में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इनका आंसर आप लोग दीजिए अच्छे से, आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप लोगों को देने हैं। बात की जा रही है हमारी कंट्री में कोयले के बारे में, आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो कोयले की डिमांड के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर कोयले के डिमांड के बारे में, देखिए कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फिर आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गए, तो किसके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि कोयले की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, ठीक है। कौन सा कॉलेज था, अभी नाम बोलने वाला मतलब चलिए डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, चलिए कर्नाटक के अंदर है डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों को बताना है कौन सा था जहां पर हिजाब के बारे में बात की जा रही थी, आर्टिकल डिस्कस किया था। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ कंसेंस के बारे में बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पर अपना रिलीजन आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोल को यहाँ पर बात कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी बिजली बनाई जाती है, ये आप लोग को बताना है। फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में बात, रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसमें गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। इसी के साथ में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई थी, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और फ्लाई एस के बारे में यहां पर बात की गई थी, तो यहां पर कौन से जो यहां पर उसके तहत नोटिफाई किया जाता है, तो आंसर देख लीजिए इनका 2030 में यहां पर बात करते हैं, हम लोगों को बोला गया इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा और ज्यादा यहां पर काम करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ में कर्नाटक उडुपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर हिजाब को लेकर दिक्कतें देखने को मिली। आर्टिकल 25 यहां पर जो होता है उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर रिलीजन के नाम पर। थर्मल पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में याद रखिएगा। काकोजाना ये रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पर गोल्डन मंकी पाए जाते हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके द्वारा यहां पर फ्लाई एस मैनेजमेंट के बारे में बात की, यूटिलाइजेशन के बारे में। इसी के साथ में यूनियन मिनिस्टर कोयल और यहां पर जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मोरनी में तैयार रहना 4:30 बजे, कलम और पेन लेकर अपना सही पैटर्न में अपने पैटर्न को फॉलो करते रहिए, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और पीडीएफ सारी यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।